अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं, यहाँ मैं हूँ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अपनी फ़्लाइट के लिए रवाना हूँ, जो कि है मुझे लेके जाएगी रियाद। तो मैं ही आपके साथ जर्नी शेयर करना चाहता था कि आप जब सऊदी अरब जाएँ तो आपको कैसा फ़ील होगा या आपको क्या एक्सपीरियंस रहेगा। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो से आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे एयरपोर्ट पर विद इन द प्लेन और इस तरह रियाद एयरपोर्ट पे। तो चलें रियाद या जद्दा, आप जहाँ भी आपकी आपकी डेस्टिनेशन है। तो ये है यहाँ, अच्छा यहाँ पर ही इंटरनेशनल अराइवल्स का एरिया बना हुआ है। मैं नीचे की तरफ आया हूँ क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं, खाने पीने की भी वैसे भी, वरना इसका जो डिपार्चर का होता है वो ऊपर है एरिया। ये देखें डिपार्चर का एरिया है और यहाँ पर सब अपनी एयरलाइन, जब आपको एयरलाइंस की कॉल होती है बोर्डिंग के लिए या चेक इन के लिए, तो आप यहीं पर आते हैं, अपने जो आपकी डिज़ायर्ड एयरलाइन है उसी की आप चेक इन काउंटर पे जाएंगे। अगर आपकी सऊदी एयरलाइन है तो आप सऊदी एयरलाइन के काउंटर पे जाएंगे, चाहे वहाँ पे फ़्लाइट नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे होते हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइन में लगना होता है चेक इन करने के लिए अपना लगेज वगैरह और बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो यहाँ पर वैसे वेटिंग एरिया भी है। अगर आप अंदर की तरफ आ जाते हैं बोर्डिंग वगैरह करके, तो आपको इस तरह से ये शॉप्स नज़र आएंगी, या जैसे यहाँ पे रहमत शीरिंग का आउटलेट है, वैसे मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर ड्यूटी फ्री शॉप तो नज़र नहीं आई, लेकिन इस तरह से आप यहाँ पर अगर आप लेना चाह रहे हैं, कोई आपका रिलेटिव है उसको कुछ निम्को वगैरह देना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और स्वीट्स वगैरह के लिए। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये पूरा कॉरिडोर है, इधर से आपको पूरा यहाँ पर आप इस तरफ आएँगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा नज़र आएगा कि जो रनवे है और जो प्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं। मुझे तो यहाँ से फ़िलहाल एमिरेट्स का प्लेन नज़र आ रहा है, तो अब चल के देखते हैं हमारी सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट कहाँ तक पहुँची। अच्छा ये सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो यहाँ पे एस्केलेटर होते हैं, वैसे तो ये हर जगह ही हर एयरपोर्ट पर ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े से स्लो हैं और मज़ेदार हैं। आप चाहें तो वैसे चल सकते हैं, इससे ज़्यादा तेज़ आप जना उस पर वॉक करके जा सकते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा है, यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है अंदर से एयरपोर्ट का, सिंपल है लेकिन फिर भी हमारा एयरपोर्ट भी अच्छा है भाई, तो मैं इसको कोई बुरा रिव्यू नहीं दूंगा। अच्छा है, अच्छा एयरपोर्ट है, प्रॉपर है और नीट एंड क्लीन है, यहाँ से आप देख ही सकते हैं और बहुत स्पेशियस है। चले आगे बढ़ते हैं और ये देखें हमारा प्लेन यहाँ से नज़र आ गया हमें, जो हम वहाँ ढूँढ रहे थे, लेकिन ये यहाँ आगे जो है ना अपने उस पर कैप्सूल पर लग गया, तो अब हम थोड़ी देर में ही इसको बोर्ड करने वाले हैं। और फ्लाइट एंटरटेनमेंट के भी अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, आप ये देखें इनके बैक सीट के बैक पे इन्होंने पूरी स्क्रीन प्रॉपर लगाई हुई, और इस तरह से हर ऑलमोस्ट एवरी एयरलाइन में होता है, तो आप इसमें टच स्क्रीन आराम से अपना यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ अगर आपने देखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह या आपने सुनना है, तो फिर आप वो भी सुन सकते हैं। और अब जो जिस मोमेंट का हमें इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है, और अब हम जो हैं, मुझे पता चल रहा है, लग रहा है कि हम भाई टेक ऑफ करने वाले हैं, तो अब बस टेक ऑफ होगा और देखते हैं, दुआ पढ़ते हैं सफ़र की और अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। फाइनली एयरबोन है, हवा में है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप ये देखें सामने बाहर से व्यूज़ कितने अच्छे हैं, और ये व्यूज़ इंसान जो है ना वो देखने के लिए तो एयर ट्रेवल करता है, और सबसे ज़्यादा है कि आपको विंडो सीट मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, आप ये लाइव व्यूज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो जी दिस इज़ व्हाट दे हैव सर्व्ड इन द फ्लाइट, चले अब इसको ट्राई करते हैं, इट लुक्स डिलीशियस और भूख भी लग रही है, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर देखें ये पूरा बता रहे हैं आपको, नेविगेट करके करता हुआ बता रहा है कि आपका प्लेन कहाँ कहाँ जा रहा है, और मुझे तो ये जो उसका मैप का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, अपने एंगल से सेट भी कर सकते हैं, आपने जिस एंगल पे भी देखना है, तो ओवरऑल पूरा आपको बताएगा प्रॉपरली, बहुत एक्यूरेट है। तो ये देखें जो इस मैप को छोड़ें, जो लाइव व्यू आप देखने में मज़ा आता ना, तो
उसका एक अलग ही आपका यकीन करें चार्म होता है। और अब अभी हम बिल्कुल में यहाँ से सिर्फ पानी और डेजर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रूट ही ऐसा है बीच में से जो जिस रीजन से हम लोग गुजर रहे हैं उसका रूट बस उधर आपको ऐसे ही लैंडस्केप मिलेगा। तो अब हम फाइनली जो है ना लैंड कर चुके हैं अपनी हमारी डेस्टिनेशन पे, हम आ चुके हैं अपना रियाद, और ये रियाद के एयरपोर्ट की रनवे है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा गर्म ही टेम्परेचर होने वाला है, लेकिन चलें अभी तो पता चलेगा जब हम यहाँ पे लैंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का मौसम है बाहर निकल के। अच्छा, जब आप जैसे ही आप एंटर होंगे किसी फॉरेन कंट्री में तो आपको वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियाँ देख के पता चल जाता है कि भाई अब आप पाकिस्तान में नहीं हैं। तो चलिए, ये तो मैं लैंड किया और आपको पूरा एक छोटी सी जर्नी शेयर की, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो करते रहिएगा, ताकि आपको इस तरह की मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो दूँ रिगार्डिंग ट्रैवलिंग टू सऊदी अरेबिया एंड उमरा।